बस चाय चाय दिए, नमकीन दे दिए। मेरी बचपन चाय बना रही हूँ, मैं कभी भी नहीं बनाती, अपना पानी एक ग्लास में उठाती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आयशी तोमर। और भाई मैं बता देती हूँ, 5-6 दिन हो गए बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, तो पढ़ाई की तो लगी पड़ी है, क्योंकि पढ़ाई ना घर पे नहीं हो पाती जितना कंपेयर टू लाइब्रेरी। अच्छा पढ़ाई कर सकते हो तो जब भी लाइब्रेरी का टाइम होता है पड़ बारिश पड़ने लगती है। बट एनी हाउ आज थोड़ी सी बारिश रुकी है और मैं एक अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ जो मेरी 12th की फ्रेंड है, ठीक है। जब मैं स्कूल में थी, 12th क्लास में पढ़ती थी, तब वो मेरी फ्रेंड थी, तो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है। स्कूल के दोस्त तो हमेशा होते ही अच्छे हैं, ठीक है। मैं वैशाली जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। एक्चुअली उसकी शादी तय हो गई है, तो उसकी इंगेजमेंट भी हो गई, तो हम मिलने जा रहे हैं भाई उसकी लाइफ में क्या क्या बदलाव हुआ वो देखने के लिए, और काफ़ी टाइम से मिले भी नहीं थे। सो अब चलते हैं, वैशाली में जा रहे हैं यार। स्कूटी तो हो ही नहीं पा रहा, स्कूटी कोई ना कोई ले ही जाता है, तो मैं वैशाली जा रहे ऑटो से, ठीक है। सबको आगे मिलते, ओके बाय। रास्ते में इतनी बढ़िया नदियाँ मिल रही है, अब हमें लगता है इसमें से तैर के ही जाना पड़ेगा, और तैर तैर के हम ऑटो को देखते हैं कहाँ से हमें ऑटो मिलेगा। सो गाइज, ये है हमारी ऑटो नंबर 1। हमें यहाँ से 2 ऑटो करने हैं, इसके बाद एक ऑटो और चेंज करना है, क्योंकि ये कुछ डिस्टेंस पे जाएगा, देन आगे कुछ और डिस्टेंस पे जाएगा। सो ये है मिनी मेट्रो ऑटो नंबर 2, अब हम इससे आगे जाएंगे। हम ना उसकी गली ढूंढ ढूंढ के थक गए, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं ना, तो हम खो गए थे और हम अब बड़ी मुश्किल में उसकी गली मिली, अब जा रहे हैं। भाग दे, पूजा ब्लॉक से शर्मा रही है। चलो ठीक है, हाय पूजा। भाई हम उसके घर पहुंच गए, पर वो इतना शर्मा रही है कि ब्लॉग में आने का नाम नहीं ले रही। तो ये कुछ पूजा ना मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, तो कुछ प्राइजेस है जो उसने इसने ही सारे जीते हैं, और 2-3 उसके भाई के होंगे, काफी अच्छी पढ़ाई में है ना। मेरे को तो 1-2 ही मिला था, पर उसको सारे मिले हैं ये। चाय बना रही हूँ, फर्स्ट टाइम चाय बना रही हूँ सिर्फ इसके लिए। हाँ, वरना तो हमें कुछ ना पहली बार पिला रही, कुछ नहीं आता है मुझे पानी पिलाना। तो भाई इस लड़की की शादी होने वाली है कुछ दिनों में, ये कर लो पहले तुम। तो फिर भाई ये चाय बना रही है हमारे लिए, ठीक है। और इसके घर बहुत दिनों बाद आए, ये मेरे स्कूल टाइम की फ्रेंड है। शकल दिखाओ मैडम, शकल ये स्कूल टाइम की फ्रेंड है। तुम मुझे थोड़ा हमारी कहानी तो बता दे लोगों को, हम लोग कैसे मिले थे, थोड़ा तो बता। चल बताना, तू बता दे, तू एक्सप्लेन कर दे यार। तो मैं आई थी उत्तराखंड से, ठीक है, और ये मेरी फर्स्ट फ्रेंड बनी थी। इसने मेरा सारा होमवर्क करा था, होमवर्क नहीं करा था, पेंडिंग वर्क करा था, इसको टोटल सब काम सारा मैंने किया था, इंक्लूडिंग फिजिक्स। तब की मुझे, और ये मेरी फर्स्ट फ्रेंड बनी थी यहाँ पर, और आज भी है। वो नहीं बात, बहुत कमाती है, कहाँ कहाँ घूमती रहती है। ये मेरी फ्रेंड है, बेचारी की शादी हो जाएगी और कुछ दिनों बाद इसकी भी हो जाएगी, शायद उसी मंथ में हो जाए। चलिए आगे, ये हमारी तीसरी फ्रेंड। हाँ, ये हमारी तीसरी फ्रेंड, ये इसका तो इसको तो सब जानते हैं, इसको तो सब जानते हैं, इसका कौन नहीं जानता। विश्व सुंदरी, ऊपर बादाम है, ऊपर बादाम दिख रहे, देख ये रहे बादाम, बादाम देखो, पिस्ता चुरा रही है लड़की ने, पिस्ता इतने दिनों बाद आया नलायक। मैं फर्स्ट टाइम चाय बना रही हूँ, मैं कभी भी नहीं बनाती, अपना पानी एक ग्लास में उठाती हूँ, लेकिन दोनों के लिए चुड़ा लूं। तो तू ना अपने ससुराल वाले से मेरे सब्सक्राइब करवा दी पक्का पक्का, ठीक है। हमें डोंगा भर के चाय पिला दी है, देख वैशाली को, देखो 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 बचपन में मैंने पास्ता खाया था बहन, पास्ता की बात बताऊं क्या है, दूसरों के घर ही खाए जाते हैं। 30 मिनट
ये हो रहा है बनाने ना, जैसे तेरे को आती है बनानी इसका छोटा सा डस्ट भी नहीं है क्या करके दिखाई बाल स्ट्रेट रहते इसकी एक्टिंग करके दिखाना। अच्छा बताऊं जैसे पूजा आगे बैठी है आगे वाली सीट पे बैठी है, मैंने कहा अरे रुक जा यार मम्मी मम्मी कर रही है अदरक देख। हाँ तो जैसे कि हम पूजा को आवाज दे रहे पूजा है ठीक है, ये जो इसकी एक्टिंग करके अरे चल चल आगे हो पूजा ए पूजा ऐसे नहीं करती थी मैं। फिर से पूजा ए पूजा गर्दन तो हिला ले। सुनना मेरे लिए भी कुल्हड़ी निकालना। हाँ तो वही निकाला है मैंने। ठीक है कुल्हड़ ठीक है ओके और कम पत्ती डालिए ओके वो ज्यादा पानी वाली नहीं अच्छी लगती है। ठीक है अभी निकालो क्या पानी पी लो मगर नमकीन बिस्किट ला मत पानी तो पी लो और समोसे और निकाल ले यार वैशाली समोसे समोसे मंगाऊंगी देख अब कह रही मंगाऊ शर्म नहीं आई तुझे काजू कतली मैं कर दूंगी निकाल ले। सुनना बर्फी और निकाल ले सुनना बर्फी और निकाल ले खाली में चाय चाय पिलाएगी क्या मुझे ये तो डर लग रहा था तभी तो काम है तो भैया पूजा ने हमें दे दी कुल्लड़ वाली चाय बस चाय चाय दी नमकीन ले लिया। अच्छा ले आई हूँ भाई नमकीन ये नमकीन भी आ गया नमकीन हो रही है सर ये ना अपने शादी का सामान दिखा रही है हमें पूजा अपने शादी का सामान दिखा रही है भाई देख लो ये क्या शॉल है ये पूजा साड़ी एक दे रही है पूजा ले लूं बिल्कुल तो ये साड़ी मैं ले रही हूँ एक साड़ी वैशाली ले रही है। मामो हम ना आ गए थे अपनी फ्रेंड के घर से हम आ गए थे मामो तुम कैसे हो और ये देखो कैसे देख रहा है, है? गाइस हम ना आ गए थे अपनी फ्रेंड के घर से ठीक है बारिश पड़ गई थोड़े से भीग भी गए और मोमो ये रहा मोमो हेलो कुछ मोमो बारात आ रही है मोमो बारात आ रही है। सो गाइस मैं आ गई थी अपने घर पे अपने फ्रेंड से मिलके आ गई जो बहुत ही मजा आया उसके साथ। सो गाइस अब मैं बनाने जा रही हूँ एक फेमस तरीके से जो आजकल लड़कियां और मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा है वो दाल बनाती है तो उसी तरीके से मैं कुछ दाल बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं इसमें ही अंदर टमाटर डाल दूंगी। मैं फर्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ और देखते कैसे बनती है तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ दाल बनाना। सो गाइस मैं दाल में डाल रही हूँ टमाटर जो भाई 200 रुपए किलो हो रहा है काफ़ी महंगा हो गया टमाटर हो गया सोने के भाव। अब मैंने हल्दी डाल दी है देन मैं धनिया डाल दूंगी उसके बाद मैंने नमक सॉरी मिर्च डाल दी है जो कुछ ज़्यादा डल गई थोड़ी सी और नमक डाल दिया। अब मैं इसको सीटी लगा दूंगी बस काम ख़त्म। कुछ खाना है उठो जाओ चलाओ आओ खा लो कुछ नहीं आ जाओ तो गाइस अब दाल डाल दिए छोके में और अब चलते थोड़े से मोमो के पास तब तक दाल सही हो जाएगी। अरे दीदी मैं तो भीगे जा रहा हूँ मैं क्या करूँ बारिश खत्म ही नहीं हो रही और मुझे लोग घुमाने नहीं लेके जा पा रहे हैं और मैं घर पे ही पड़ा हुआ हूँ। कम से कम बारिश खत्म हो तो कम से कम मैं घूम के तो आ जाऊंगा पर दीदी पता नहीं क्या हो गया है बारिश नहीं रुक रही। देखो मैं कब से बारिश को देखे जा रहा हूँ मैं देख देख के बारिश को बोर हो गया हूँ। मैं जा रही हूँ मोमो को कैट फूड देने है ना मोमो खाता है कैट फूड शॉप से है नोनू मोमो खाएगा। सो फाइनली गाइज मेरा खाना भी बन गया अभी खाना खा लेते हैं बड़ी भूख लगी है। तो गाइज मैं ना बता देती हूँ कि 3-4 मतलब 5-6 दिन से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी तो क्या हुआ मैं थोड़ा सा बताती हूँ ठीक है। तो मैं ऐसे बैठी थी तो मैं कुछ सोचने लगी मैं कहने का टेंशन ले ली थोड़ी सी और थोड़ा सा ज़्यादा सोच लिया अबाउट द लाइफ अबाउट द यूट्यूब आगे क्या होगा क्या सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे या फिर टाइमिंग नहीं बढ़ रहा या फिर व्यूज़ नहीं बढ़ रहे तो इतनी ज़्यादा डिमोटिवेशन आ गया मेरे में मतलब मैं बैठी थी टेंशन लेने की चिल चलो आज टेंशन लेते चलो लेट्स डू अ टेंशन फिर चिंता इतनी कर ली कि वो मेरे को इतनी ज़्यादा हावी हो गई तो मेरा बिल्कुल 2-3 दिन तक ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं कर रहा था मतलब ऐसा लग रहा था यार अब ब्लॉगिंग नहीं कर सकती मैं
मतलब इतना डिमोटिवेशन आ गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे से ब्लॉगिंग नहीं होगी यार, मैं ब्लॉगिंग के लिए बनी ही नहीं हूँ। फिर यार 2-3 दिन मैंने गैप लिया, थोड़ा शांत हो गई, बस सोते रहती थी, सोचते रहती थी क्या क्या होना है, क्या करना है। तो मैंने कहा यार नहीं यार स्टार्ट करते, इसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा था। तो मैंने स्टार्ट दोबारा से ब्लॉगिंग कर दिया। तो कभी कभी ऐसा होता था 2-3 दिन का गैप बीच में हो जाता है, तो वो रिफ्रेश करने के लिए ना, रीस्टार्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने भी रीस्टार्ट किया, तो वो गैप की वजह से मैं दोबारा से अच्छा सोच पाई। तो कभी कभी जैसे हम भर जाए ना, तो कभी रेस्ट पॉज ले लेना चाहिए, ठीक है? तो पॉज ले लो, देन हमारा दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता सब कुछ, और फिर से दोबारा से चालू हो जाती है गाड़ी। तो मेरी गाड़ी फिर से चालू हो गई है। प्लीज़ अगर मेरे नए हैं, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और भी अच्छे ब्लॉग लाने वाली हूँ। अब तो कुछ चीज़ें आने वाली लाइफ में जो शायद आप लोगों को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगी, जो मेरे ब्लॉग में आपको बहुत जल्दी दिखने वाली हैं। तो स्टे ट्यून्ड, मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और बस इतना ही ब्लॉग था आज का। अब मैं जाके बस थोड़ा बहुत काम वाम करते, ज़्यादा कुछ है नहीं। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, और खुश रहो, आबाद रहो, क्या पता कल होना। बाय बाय।